तो अखिलेश यादव अगर योगी जी के बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम भाजपा वालों के मकान घेरेंगे इससे वो क्या कहना चाहते हैं क्या जिन अपराधियों पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है क्या अखिलेश यादव जी आप ये बताना चाह रहे हो देश की जनता को कि ये जो अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं क्योंकि आप अगर ये मान रहे हैं कि समाजवादियों के घर योगी जी गिरा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है योगी जी की पुलिस योगी जी का प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई कर रहा है जनाब नमस्कार मैं हूं पवन त्यागी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक बार फिर साधुओं की शरण में पहुंचे हैं और वो अपना जो मित्र है उनका राहुल गांधी उसकी तर्ज पर फिर से जैसे राहुल गांधी ने अपने को जनेऊधारी ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश की थी ठीक उसी तर्ज पर अखिलेश यादव अपने को संतों का अनुयायी और आश्रमों के प्रीत करने वाले सिद्ध करने में लगे हुए हैं वो जाकर चित्रकूट में संतों का आशीर्वाद लेते हैं और चित्रकूट का भ्रमण करते हुए चित्रकूट का विकास करने की बात करते हैं वो ये भूल गए कि वो जब सत्ता में रहे हैं तब उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो हमारी स्थल हैं उत्तर प्रदेश के उसके लिए कोई काम ऐसा नहीं किया चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो मथुरा हो चाहे वो काशी हो बल्कि जो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ काम योजनाएं लागू करने की कोशिश की गई उन्होंने अड़ंगा अटकाने की कोशिश की आज जब उनको लग रहा है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में दिन पे दिन लोगों की नजरों में चढ़ती जा रही है और लोगों की लोकप्रिय बनती जा रही है तब उनको लगा कि आने वाले चुनाव में जनता के बीच क्या मुंह लेकर के जाएंगे किससे वोट मांगेंगे कौन उनका वोटर होगा किसको वो निशाना बनाए तो अब उनको याद आए आश्रम एक तरफ वो आश्रम जा रहे हैं संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं मंदिरों के चक्कर अब वो कुछ दिन में लगाएंगे और वो अपने को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि वो जो है हिंदुओं के मंदिरों में और संस्कृति में बड़ी आस्था रखते हैं लेकिन जब वो मुख्यमंत्री रहे थे सत्ता में उस समय उनको कुछ नजर नहीं आता और केवल वो एक विशेष धर्म को खुश करने की कोशिश करते हैं उन्हीं धर्म के अनुयायी के साथ इफ्तियार पार्टी के अंदर गोल टोपी पहन करके वो इख्तियार पार्टी करते नजर आते हैं कभी भी हमने उनको मंदिरों में जाते नहीं देखा लेकिन उनका जो मित्र है राहुल गांधी जैसा कि हमने देखा है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो राहुल गांधी जनेऊ भार निकाल करके पहनते हैं और अपने को बताते हैं जनेऊदारी ब्राह्मण तो इसी तरह के कुछ नोटंकी नाटक करने वाले इनके मित्र हैं ऐसा ही नोटंकी नाटक करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं तो वो अब आश्रमों का रुख कर रहे हैं जनता को उत्तर प्रदेश की वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं और मैं बड़ा संतों का सम्मान करने वाला हूं मैं बहुत ही आश्रमों में आस्था रखता हूं ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं आपको बताएं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वो कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे जो बुलडोजर हैं वो बीजेपी वालों के घर गिराएंगे यह बात उन्होंने इसलिए बोली कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के सीएम इस समय हैं योगी आदित्यनाथ वो लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन और पुलिस को सख्त निर्देश दे रखा है कि यदि उत्तर प्रदेश का कोई माफिया कोई गैंगस्टर कोई हत्यारा कोई बड़ा अपराधी ऐसा कुछ पकड़ में आता है और उसकी जो अर्जित की हुई संपत्ति है अगर यह पता लगता है कि उसने अपराध से कमाई है किसी को डरा धमका कर कब्जा किया हुआ है तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए और जो भी उसने मकान बिल्डिंग बनाकर के खड़ा किया है उसको नेस्ता नामुद कर दिया जाए और इसलिए योगी जी का बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों तक को उजाड़ दिया गया जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की थी रंगदारी करके हत्याएं करके और लोगों को डरा धमकाकर कर कब्जाई थी वो सब उन्होंने नेस्ता नबूद कर दी इसको लेकर के अखिलेश यादव बजाए इसके कि योगी आदित्यनाथ की बड़ाई करते और वो ये कहते कि योगी जी जो कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है लेकिन वो ऐसा नहीं कहते शायद उनको और उनकी पार्टी को अपराधी सूट करते होंगे उनको लगता होगा कि अगर अपराधी अपराध करते रहेंगे तो उनका भी धंधा कुछ चलता रहेगा और इसीलिए शायद वो कहीं ना कहीं योगी जी के इस बुलडोजर अभियान का मजाक उड़ा रहे हैं जब योगी जी अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे समय में वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बुलडोजर का मजाक बना रहे हैं एक तरफ वो जब भी कभी कोई उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती हैं उस पर ट्वीट करते हैं तंज कसते हैं और सरकार की खिंचाई करते हैं कि देखिए अपराध हो गया लेकिन जब खुद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कोई ऐसा एक्शन अपराधियों के विरुद्ध नहीं लिया और उन्होंने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया जिससे कि पुलिसिया सिस्टम में भी कोई सुधार होता जो पुलिस अखिलेश यादव के शासन में उत्तर प्रदेश में कार्यरत थी वही आज योगी शासन में है लेकिन शासन बदलने से कैसा निचले स्तर तक परिवर्तन आता है ये हमने अब देखा जब योगी सरकार आई तो लोगों को कोविड टाइम में इसी पुलिस ने जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी जिसको यह कहा जाता था कि वो माफियाओं से गठजोड़ कर लेती है जैसा कि हमने कानपुर के विकास दुबे कांड में देखा कि बड़े बड़े अपराधियों से बड़ी बड़ी पुलिस के अधिकारियों की गठजोड़ हमने देखी कि किस तरह से उसका आना जाना बड़े बड़े अधिकारी थाने के एसओ इंस्पेक्टर पुलिसकर्मियों से था और लोग से उससे गठजोड़ करके एक नेक्सस चला रहे थे ये जो नेक्सस था यह सपा सरकार में चला सपा के शासन में चला और यह उद्योग के रूप में पनपा के लोगों का अपहरण हो जाए लोगों की हत्याएं हो जाए जमीनों पर कब्जा हो जाए गरीब आदमी अगर थाने में एप्लीकेशन देने पहुंच रहा है तो कोई थाने में उसकी सुनवाई होती नहीं थी अपराधियों का ही बोल था और आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने इससे राहत महसूस की है योगी जी आए हैं तब से अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और सख्ती नहीं तुरंत कार्रवाई की जा रही है हमने देखा कि जिस तरह से अभी मुरादनगर में एक घटना हुई कि वहां पर एक बिल्डर के द्वारा एक ठेकेदार के द्वारा शमशान घाट में एक कंस्ट्रक्शन किया गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ वो एक लैंटर गिर गया जिसके कारण 25 लोगों की दबकर मृत्यु हो गई योगी जी के सख्त आदेश पे कुछ ही घंटे के अंदर वो सभी लोग जो उसके लिए जिम्मेदार थे वो जेल में बंद हुए वहीं राहत के लिए लोगों को जिन्हों के घर से वो कैजुअल्टी हुई उनको दस दस लाख रुपए का चेक पहुंचाया गया और दूसरी तरफ योगी जी के निर्देश पर केस को एस को ट्रांसफर किया गया वहीं जो उसके लिए दोषी लोग हैं उनकी संपत्ति जब्त करते हुए उन पर एनएसए लगाया गया दिखाता है कि योगी जी का भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है अपराधियों के विरुद्ध वो कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है अपराधियों के विरुद्ध सख्त और कड़ी कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है तो अखिलेश यादव अगर योगी जी के बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम भाजपा वालों के मकान घेरेंगे इससे वो क्या कहना चाहते हैं क्या जिन अपराधियों पर आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है क्या अखिलेश यादव जी आप यह बताना चाह रहे हो देश की जनता को कि यह जो अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं क्योंकि आप अगर यह मान रहे हैं कि समाजवादियों के घर योगी जी गिरा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है योगी जी की पुलिस योगी जी का प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई कर रहा है जनाब किसी आम आदमी को परेशान नहीं कर रहा कोई एक आम आदमी आप बताइए जरा अखिलेश जी कि कोई आम आदमी कहे कि योगी सरकार की जो प्रशासन है जो पुलिस है उन्होंने बुलडोजर आम आदमी के मकान पे चला दिया और आम आदमी का मकान तोड़ दिया नहीं वो बुलडोजर अपराधियों पर चला है और यदि आप ये कह रहे हैं कि अब हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारे बुलडोजर हम बीजेपी के मकान बीजेपी वालों के मकान तोड़ेंगे कहीं ना कहीं आप अभी से घोषणा कर रहे हैं कि आप अगर आए तो आप अच्छे लोगों का भी मकान तोड़ेंगे आप यह भी मान रहे हैं इसका मतलब कि जो अपराधियों पर अब योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं या समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं या कोई ना कोई गठजोड़ आपके साथ उनका है वो आपकी मित्र मंडली में शामिल है क्या आप यह बताना चाहते हैं तो अगर आप यह बताना चाहते हैं तो हम भी अब समझ गए कि आप जब यह कह रहे हैं कि मैं आ गया तो सत्ता में अगर हमारी सरकार आई तो हम बीजेपी वालों के मकान गिराएंगे इसका मतलब अब आपने मान लिया है कि ये जो अपराधी थे चाहे वो विकास दुबे हो चाहे वो मुख्तार अंसारी हो जितने भी अपराधी हैं आप मानते हैं कि इनके कही ना कहीं कहीं ना कनेक्शन आपसे रहे हैं ये आप खुद कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बेचैनी क्यों होती आपको तो बड़ाई करनी चाहिए लेकिन मैंने आज तक आपका कोई सिंगल ट्वीट नहीं देखा कि आपने किसी अपराधी के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई की है जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो आपका कोई सिंगल ट्वीट आया हो कि भाई बहुत बहुत बधाई हो बहुत अच्छा पुलिस काम कर रही है आपने पुलिस का मनोबल बढ़ाने के बजाय मनोबल गिराने का काम किया है आप लगातार अपराध के तो ट्वीट करते हैं यहां अपराध हो गया इसमें क्या हुआ मुरादनगर में क्या हुआ, हुआ बदायूं में क्या हुआ आप सवाल उठा रहे हैं पुलिस और प्रशासन पर जब आप सत्ता में थे आपके समय में जो अपराध होते थे तब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होती थी क्या आपने बड़े बड़े अपराधियों पर एन लगाया क्या आपने बड़े अपराधों में तुरंत कार्रवाई करते हुए अपराधियों के मकान को गिराया क्या आपने बड़े अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति कुर्क की नहीं तो फिर क्यों आपका क्या स्वार्थ था क्या कोई गठजोड़ था क्या कोई मंथली फिक्स थी आपको कोई उनसे पैसा आ रहा था अगर ऐसा नहीं था तो क्या कारण था कि आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सके अपने शासन काल में जो इस समय योगी जी कर रहे हैं और अगर योगी जी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है अपराधियों को जेल में डाला जा रहा है या तो ऊपर पहुंचाया जा रहा है जो भी पुलिस पर हमला करता है उसको सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाता है बहुत सारे अपराधी इस समय जेल के अंदर बंद हैं उनके अंदर खौफ व्याप्त है कि जब मुख्तार अंसारी जैसे बड़े अपराधी का साम्राज्य डहाया जा सकता है बड़े अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करके योगी जी ने तो स्पष्ट संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की नहीं चलेगी अब अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे अब अपराधी खुले नहीं घूमेंगे अब वो कोई भी अपराध को अंजाम देके संपत्ति नहीं बना सकते उनकी संपत्तियां जब्त कर दी जाएंगी यहां तक कि उनके रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा अगर किसी रिश्तेदार की किसी अपराधी से गठजोड़ रही है या पैसे का लेन देन रहा है तो उत्तर प्रदेश के अपराधियों में जब खौफ का माहौल है ऐसे में आप अखिलेश जी क्या संदेश अपराधियों में देना चाहते हो आप उत्तर प्रदेश के अपराधियों को यह कह देना चाह रहे हो कि अगर हम सत्ता में आए तो हम तुम्हें राहत दे देंगे हम सत्ता में आए तो हम तुम्हारे मकान नहीं ढाएंगे तो आपकी सरकार क्या आम जनता के लिए बनने जा रही है जिसका ख्वाब आप देख रहे हैं हालांकि बनेगी नहीं यह केवल आपका ख्वाब है अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अगले पांच बार भी चुनाव लड़ें तो मैं दावा करता हूं कि अगले पांच बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे लेकिन आपका ख्वाब है कि हम आए तो ख्वाब देखना अच्छा है देखिए मुंगेरी लाल के सपने हसीन होते हैं और वो आपका मित्र राहुल बाबा वो भी हसीन सपने देखता है प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है आप देखिए लेकिन क्या आप जवाब दीजिए कि आप सत्ता में यदि आए तो क्या अपराधियों को संरक्षण करने के लिए आएंगे अपराधियों को सुविधा देने के लिए आएंगे और आम जनता का मकान गिराने के लिए आएंगे क्योंकि आपने तो यही भाषा बोली है कि यदि हम सत्ता में आए तो भाजपा वालों के मकान गिराएंगे आपको ये जवाब जनता को देना होगा